हर प्यारे प्यारे कीर्तन दोनों ओर से हुए। 90-95 के दौर में जो पुराने कीर्तनकार हुए सम्मानी भैया नदान किंकर जी, हरकिशन जी, रतिराम ज्ञानी जी अभी भी हैं, तो ये लोग एक बात कहा करते थे, एक शेर, एक मुक्तक कहा करते थे। देवेंद्र भैया एक मुक्तक कहा करते थे कि मंच है साहित्य का, कोई पहलवानों का अखाड़ा नहीं है, और किसी ने किसी को अभी तक पछाड़ा नहीं। पर आज नए कलेवर में मैं देखता हूं कि साहित्य के ऊपर आधुनिकता हावी है। कीर्तन एक बात बड़ी अच्छी लगी, सचदेवा भैया ने एक गीत गाया साईं बाबा वाला, और उस कार्यक्रम में मैं गया था सुनने लखनऊ जी। आपका जो पहला कार्यक्रम था उसमें मैं सुनने गया था, तो आपने कहा कि सब दुगुन से गाते हैं, मैं इसको दुगुन से नहीं गाऊंगा। आपने कहा मैं इसे दुगुन से नहीं गाऊंगा, तो भाई मैंने सोचा कि वादी या संवादी से गाएंगे। भाई मैंने सोचा कि वादी या संवादी से गाए थे, पर बंदा पंचम से गाया और सप्तम तक गया। बहुत अच्छा। आइए सर्वप्रथम मैं अभिवादन करूंगा आदरणीय सम्माननीय बड़े भैया देवेंद्र तिवारी जी का, चरणों में कोटि कोटि वंदन है, और आभार प्रकट करूंगा समिति के समस्त पदाधिकारियों का। भैया राजू शुक्ला जी जो अन्य जो पदाधिकारी हैं, और ये भोलेनाथ की अपार कृपा है कि आज दूसरी बार शिवरात्रि पे मैं मेरा आगमन यहाँ हुआ, जैसे भी हुआ हो। आइए तीसरा अभिवादन मैं करूँगा के स्टार म्यूजिक भैया संजय जी और भैया अजय जी, आपका भी अभिवादन है। बहुत बहुत सुनिएगा। अब चूंकि नीलम जी के मंच से मैं ये गीत गा रहा हूँ, तो चूंकि नीलम जी के मंच से गा रहा हूँ, तो गीत लता मंगेशकर जी का सुनिएगा। कि रंग भरने से रंग भरने से तो तस्वीर नहीं बोलेगी, मौत जिद्दी है बड़ी, ओठ नहीं खोलेगी। और सभी से कहना चाहूंगा कि मेरी आवाज में अमृत तो नहीं है, लेकिन पर कभी जहर नहीं घोलेगी। भैया नरखर जी सुनिए, और ये प्रथम पुरस्कार के रूप में सम्माननीय भैया छोटे भैया राजू शुक्ला जी की ओर से 101 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत आभार है। गीत बजा, फिल्म वालों ने कहा क्या कि हाय शर्माऊं और ये भैया जी की ओर से लाल वादक लाखन सिंह जी को पुरस्कृत किया गया है। बहुत बहुत आभार है। सुनेगा इनकी गिनती लाखों में है कि हाय शर्माऊं कैसे कैसे मैं बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। जाल माँ के, जाल माँ के उसकी तीन निशानियां। तो है शर्माऊं कैसे कैसे मैं बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। वर्धन करें। आज पहली बार मंच पे बजा रहा है मेरे साथ सचदेवा जी। जैसे नए लोगों को भैया देवेंद्र भैया वो देते हैं, वैसे नए कलाकारों को मैं भी संरक्षण देता हूं। सुनेगा सुने। अब बात वहां की भोलेनाथ भूत भवन सरकार भोलेनाथ ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण रासलीला का कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं भी चलूंगा। कहा मैं भी चलूंगा। तो भवानी ने कहा कि हे भोलेनाथ नर का जाना मना है, बन के नारी जा सकते हो और बाघ अंबर की जगह पहन के सारी जा सकते हो। और ये हमारे देवेंद्र भैया की ओर से 51 पत्र मुद्राएं वादक लाखन जी के लिए और 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए आई हैं। बहुत बहुत आभार है। और ये भैया सचदेवा सरारती जी की ओर से ये पुष्पहार और 151 पत्र मुद्राएं हमारे लिए, 100 पत्र मुद्राएं भैया लाखन सिंह जी के लिए। अब देखिएगा भूत भवन सरकार ने कहा, देखिए प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा। भूत भवन सरकार ने कहा कि मैं भी चलूंगा, तो कहा कि बागंबर की जगह साड़ी पहननी होगी आपको। तो शंकर भगवान ने कहा ये कैसे होगा? तो शंकर भगवान ने कहा क्या क्या कि बोलो बोलो हे भवानी। कहे शिव सैलानी यदि चलूं नारी बनकर, यदि मैं नारी बनकर चलूं तब जो पुरुष वाली अरे छुपेंगी कहां निशानियां, छुपेंगी कहां निशानियां। तो तुम ही बताओ आए मेरी गौरा, हाँ तुम ही बताओ आए मेरी गौरा होगी परेशानियां। तो बोले है भवानी कहे शिव सैलानी यदि चलू नारी बनकर, छुपेंगी कहां निशानियां, छुपेंगी कहां निशानियां। शंकर भगवान बताने लगे कहा कंठी वा माला, जटा दाढ़ी चंद्रमा नाग ये काला काला जटा दाढ़ी चंद्रमा नाग ये काला काला जटा दाढ़ी चंद्रमा नाग ये काला काला। और त्रिशूल भारी जो आपके साथ रहता है, त्रिशूल भारी और मस्तक की धारी। और कहाँ बोल पालिया, हाँ तो बोले है भवानी कहे शिव सैलानी। यदि चलू नारी बन के छुपेंगी कहाँ निशानियाँ, छुपेंगी कहाँ निशानियाँ, छुपेंगी कहाँ निशानियाँ, छुपेंगी कहाँ निशानियाँ, छुपेंगी कहाँ निशानियाँ। अगली भगवान शंकर कहते हैं, भैया ध्यान चाहूंगा सभी का। अगली पंक्ति में भगवान शंकर कहते हैं क्या क्या समस्या है यही भारी, तुम्हें सुलझाओगी प्यारी। और तुम्हारी बात मानूंगा और बन हर हर हर। चलो दूसरी पंक्ति में सुनेगा सुने। शंकर भगवान ने कहा गौर से, समस्या है यही भारी, तुम्हें सुलझाओगी प्यारी। तुम्हारी बात मानूंगा और बन जाऊं मैं नारी, और बन जाऊं मैं नारी। तुम्हारी बात मानूंगा और बन जाऊं मैं नारी। पर एक समस्या और है, एक समस्या और है। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि कहाँ तुम्हारी सौतन गंगा, अरे कहाँ तुम्हारी सौतन गंगा जाएगी ले पानिया। सब कुछ छुपा लूंगा मगर जो गंगा में जल निरंतर मेरे सर से निकला करता है, अरे जाएगी ले पानिया। बोली है भवानी कहे शिव सैलानी, फिर चलूं नारी बन के छुपेंगी कहाँ निशानियाँ, छुपेंगी कहाँ निशानियाँ। ध्यान चाहूंगा, इतनी परेशानियां हो रही हैं भगवान शंकर को नारी बनने में। अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, शंकर भगवान ने उमा से कहा, श्रृंगार का सारा कहां से आए मसाला। और अगर मसाला आ भी गया तो छिप सकती नहीं है, छिप सकती नहीं है तीसरे नेत्र की ज्वाला। छिप सकती नहीं है तीसरे नेत्र की ज्वाला, छिप सकती नहीं है तीसरे नेत्र की ज्वाला। और कहा कि लिए सुधा सुधा कर बैठे मस्तक पर, अरे ये भी परेशानियाँ। बोले है भवानी कहे शिव सैलानी, यदि चलू नारी बनकर छुपेगी कहाँ निशानियाँ, छुपेगी कहाँ निशानियाँ। छुपेगी कहाँ नाम होता है। इसी के साथ में गीत बजा कौन था? गीत बजा कि सपने में रात में आया, हाँ संजय भैया ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल नई बात, बात पुरानी है पर कीर्तन के कलेवर में नहीं है। भैया भैया सुनिएगा सावधानी से। आदरणीय चंद्रप्रकाश जी, चकोर चंद्रमा को बहुत प्रेम करता है। चकोर उड़ता है कभी कभी चंद्रमा को पाने के हेतु, पर चंद्रमा अत्यधिक दूरी होने के कारण वो वहां तक पहुंच नहीं पाता, तो चकोर चंद्रमा की विरह में अंगारे भी खाता है। आपने सुना होगा। तो देखिए गीत में चकोर की अभिलाषा क्या है। वो सोचता है कि शिव भोलेनाथ पुरारी, हाँ हाँ जिन्हें चिता भस्म है प्यारी। चकोर कहता कि चिता भस्म भगवान शंकर को बहुत प्यारी है, तो अगर ये मेरा शरीर कि जले बिरह में तन ये सारा, कि जले बिरह में तन ये सारा, तब तो हो जाऊं बलिहारी। यदि बिरह में जले तन सारा, तब तो हो जाऊं बलिहारी। और मेरा शरीर जल जाए और चिता की भस्म पड़ी हो, कि यदि कहीं शंभु ने भाल पे मुझको धारा रे, तब तो चंदा से होगा मिलन हमारा रे। अगर मैं चंद्रमा से मिला तो चंदा में तो बहती अमृत की धारा रे, मिलकर के जीवन मुझको मिले दोबारा रे। तालियां चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी के साथ जागेश्वर महादेव बाबा की एक बार सभी लोग जय बोल दे प्रेम पूर्वक, प्रेम थोड़े जागेश्वर महादेव बाबा की। और निरंतर बड़े अच्छे अच्छे आयोजन आपकी कमेटी की ओर से होते रहे, यही कामना करते भगवान भोलेनाथ से। इसी के साथ सुंदर से कार्यक्रम का यहीं पर समापन।